आईपीएल मैच ही करते हैं, आईपीएल की दीवानगी हर किसी पर छाई हुई है। और ऐसे में आईपीएल में कल जो कारनामा रिंकू सिंह ने करके दिखाया, पहले शायद ही कभी आपने देखा होगा और शायद ही कभी आगे आपको देखने को मिलेगा। जिस तरीके से लगातार 6 छक्के एक के बाद एक मारे गए, वो वाकई में हैरतअंगेज था और किसी ने उम्मीद नहीं की थी इस तरीके से मैच जीत जाएंगे। अब एक रिपोर्ट देखिए आप किस तरीके से कमाल हुआ। नाम रिंकू सिंह, काम 5 गेंद में 5 छक्के, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रिंकू सिंह का धमाका। आखिरी ओवर में चमत्कार, शाम से जीता केकेआर। रिंकू सिंह की यादगार पारी, राशिद खान की हैट्रिक पर भारी, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज जो कुछ हुआ वो हर क्रिकेट प्रेमी लंबे समय तक भुलाए नहीं भूल सकता। अहमदाबाद में रिंकू सिंह के नाम की ऐसी आंधी चली जो गुजरात के जीत के अरमानों को उड़ाकर न जाने कहां लेकर चली गई। सुपर संडे के पहले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस को बेहद रोमांचक मुकाबले में 3 विकेट से हरा दिया और कोलकाता की इस जीत के हीरो रहे रिंकू सिंह, जिन्होंने आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्के लगाकर गुजरात के जबड़े से जीत छीन ली। 205 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स को आखिरी ओवर में जीत के लिए 29 रनों की जरूरत थी और गुजरात टाइटंस की जीत करीब करीब तय मानी जा रही थी। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसकी उम्मीद न गुजरात टाइटंस को थी और ना ही क्रिकेट के पंडितों को। रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में यश दयाल की गेंदों पर छक्कों की झड़ी लगा दी और अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई। आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी टीम ने आखिरी बॉल पर 5 छक्के लगाकर मैच जीता हो। आइए अब आपको आखिरी ओवर के रोमांच को विस्तार से बताते हैं। यश दयाल की पहली गेंद पर उमेश यादव ने 1 रन लेकर रिंकू सिंह को स्ट्राइक दी। दूसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने लॉन्ग ऑफ पर छक्का जड़कर अपने मंसूबे साफ जाहिर कर दिए थे। तीसरी गेंद पर रिंकू ने दयाल की लो फुल टॉस को 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर भेज दिया। चौथी गेंद पर रिंकू ने एक बार फिर लॉन्ग ऑफ पर बाउंड्री पर छक्का मारा। पांचवी गेंद पर रिंकू सिंह ने लॉन्ग ऑन पर 6 जमाया और फिर आई बारी छठी गेंद की। छठी गेंद यानी शॉर्ट बॉल पर रिंकू ने लॉन्ग ऑन पर छक्का जड़ा और गुजरात के मुंह से जीत छीन ली। इससे पहले हार्दिक पांड्या की जगह कप्तानी कर रहे राशिद खान ने इस सीजन की पहली हैट्रिक लेकर कोलकाता को हार की कगार पर पहुंचा दिया था। राशिद खान ने पारी के 16वें ओवर में लगातार 3 गेंदों पर आंद्रे रसेल, सुनील नरेन और शार्दुल ठाकुर को आउट किया। रिंकू सिंह ने यह साबित कर दिया कि अनिश्चितताओं के खेल क्रिकेट मैच में जब तक आखिरी गेंद न फेंक दी जाए तब तक किसी भी नतीजे की उम्मीद की जा सकती है। राशिद खान ने एक तरफ जहां हैट्रिक लेकर गुजरात को जीत की दहलीज पर खड़ा कर दिया था या कहें तो करीब करीब जीत के पास पहुंचा दिया था, तो वहीं रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में ऐसा प्रहार किया जिसकी गूंज हर क्रिकेट फैन को सालों तक, वर्षों तक, ना जाने कब तक याद रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।